क्या कहा उसने कि ओ डियर फ्रेंड, ओ डियर फ्रेंड, यहां से देखिए, ओ डियर फ्रेंड डू गिव मी दैट ग्रेन ऑफ राइस एंड गेट अनदर फॉर योर सेल्फ। कहता है कि अरे प्रिय मित्र, डू गिव मी दैट ग्रेन ऑफ राइस, आप मुझे ये चावल का दाना दे दीजिए, एंड गेट अनदर फॉर योर सेल्फ, और अपने लिए आप एक दूसरा दाना ले आए। क्या बोली वो कि अरे प्रिय मित्र, ये दाना आप मुझे दे दो और आप एक दूसरा दाना ले आओ। यू सी माई बूट्स आर सो डर्टी दैट इफ आई वर, अब देखिए जो वर्ड हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ही के साथ वर या सी के साथ वर या आई के साथ वर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यदि वर का प्रयोग किया जाए तो वहां पर क्या होती है, एक कल्पना होती है। यू सी माई बूट्स आर सो डर्टी, आप देखेंगे, आप देखोगे कि मेरे जो बूट हैं वो इतने गंदे हैं। इफ आई वर टू गो अपॉन द किंग सिटिंग प्लेस, मानो यदि मैं राजा के खाने वाले स्थान पर चली गई, आई शुड डिफाइल इट, तो क्या होगा, मैं इसे गंदा कर दूंगी, इस स्थान को, ये स्थान गंदा हो जाएगा। एंड आई कांट डू दैट, और ऐसा मैं नहीं कर सकती। इट वुड बी सो वेरी रूड, ऐसा करना बड़ा ही अभद्र कार्य होगा। ये गंवारों का कार्य है, गंवार ऐसा करते हैं, तो ऐसा मैं काम नहीं करना चाहती। इस लाइन में क्या बताया है, अरे प्रिय मित्र, जो चावल का दाना आप उठाए हुए हो, ये तो दाना आप मुझे दे दीजिए और इसके स्थान पर आप एक दूसरा दाना ले आए। क्यों क्यों ले आए, ये पैरा हमने पढ़ा है अभी, कि अरे प्रिय मित्र, जो चावल का दाना आपने उठा रखा है, इस दाने को आप मुझे दे दीजिए और आप दूसरा ले आए, क्योंकि मेरे पैर जो हैं वो गंदे हैं, और यदि मैं राजा के खाने वाले स्थान पर चली जाऊंगी तो फर्श गंदा हो जाएगा, और ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, ये काम गंवारों का होता है, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। बट द आंट विद द ग्रेन ऑफ राइस ओनली रिप्लाइड, लेकिन जिस चींटी ने जो दाना उठा रखा था, वह चींटी क्या बोलती है, क्या कहती है उसे, If you want rice, go and get it. यदि तुम्हें चावल का दाना चाहिए ही, तो जाओ और ले आओ. No one will notice your dirty boots, and you don't suppose that I am going to carry rice for all your kindred. Kindred होता है ऋषि, अपने जो रिश्तेदार, भाई बहन इत्यादि, परिवार के सदस्य। No one will notice, कोई भी ध्यान नहीं देगा इस बात की तरफ, कोई ध्यान नहीं देगा कि आपके पैर गंदे हैं, आपके बूट गंदे हैं, और यदि आप ऐसा सोचते हो कि मैं ले आऊं, तो I am going to carry rice for all your kindred, आप तो ऐसा सोचते हैं कि आपके सब रिश्तेदारों के लिए, आपके सारे परिवार के लिए मैं दाने ले आऊं, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती। Then the king laughed, इस पर राजा को हंसी आ गई, राजा को इस बात पर हंसी आ गई। The queen quick looked at herself up and down, जब राजा हंसे तो रानी ने ऊपर नीचे अपने आप को देखा, अपने आप को देखा और क्या कहा, ऊपर से नीचे अपने आप को देखा, बट सी कुड नॉट सी और फील एनीथिंग इन हर अपीयरेंस टू मेक द किंग लाफ, लेकिन उसे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दी अपने में जिससे कि राजा हंस पड़े उसके ऊपर, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी का अपीयरेंस, किसी की शक्ल सूरत, किसी के कपड़ों में कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे दूसरों को हंसी आ जाती है। तो रानी ने भी क्या किया, अपने आप को बड़े
ऊपर से नीचे तक देखा कि भाई मेरे कुछ लगा हुआ है, मुंह पे लगा हुआ है या कहीं और कुछ लगा हुआ है, तो मैं देखूं एक बार राजा क्यों हंस रहे हैं। तो उसे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दी। सो सी सैड, इसलिए उसने कहा, व्हाट आर यू लाफिंग एट, आप क्यों हंस रहे हैं। तो बेटा हम दूसरा पेज लेते हैं। रिटोर्टेड द क्वीन, रानी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, कि हाँ आप हंसे हैं, मुझे पता है कि आपको हंसी आई है। एंड इफ यू थिंक दैट आई एम ए रिडिकुलस, रिडिकुलस होता है हास्यजनक दिखाई देना, मजाकिया लगना, आई विश यू वुड से सो, तो मेरी इच्छा है कि आप ये मुझे बताएं, आई विश आई वुड से सो, आप ये बात मुझे बताएं कि आप क्यों हंसे हो। बिहेविंग इन दैट वे इंस्टेड ऑफ होता है कि बजाय, इस बात की बजाय कि आप इस प्रकार से मूर्खता का व्यवहार करें। व्हाट आर यू लाफिंग एट, आप क्यों हंस रहे हैं। राजा क्या कहते हैं, आई एम नॉट लाफिंग एट एनीथिंग, कहते कि मैं तो किसी बात पर नहीं हंस रहा हूं। आंसर्ड द किंग, राजा ने जवाब दिया, राजा ने जवाब दिया कि मुझे तो किसी बात पर हंसी नहीं आई, आप ऐसा क्यों कहती हो कि मैं हंस रहा हूं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हंसा। वेरी वेल, ठीक है मत बताओ। रानी कहती है ठीक है मत बताओ, यहां से देखिए वेरी वेल से, वेरी वेल बहुत अच्छा, बट यू डिड लाफ, लेकिन आप हंसते हो, एंड आई वॉन्ट टू नो व्हाई, और मैं यही जानना चाहती हूं कि आप क्यों हंसे हैं, ये आप मुझे बताइए। वेल अच्छा, राजा कहता है वेल अच्छा, आई एम अफ्रेड आई कांट टेल यू, राजा कहता है कि मुझे इस बात पर डर लगता है, मैं ये बात आपको बता दूं, इस बात पर मुझे डर लगता है। सेड द किंग, राजा ने उत्तर दिया। रानी क्या कहती है आगे, कि यू मस्ट टेल मी, मस्ट होता है अवश्य ही, आपको मुझे ये बात अवश्य ही बतानी पड़ेगी। रिप्लाइड द क्वीन इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली होता है अधीरता से, अधीरता से रानी ने कहा कि आपको तो ये बात बतानी ही पड़ेगी। इफ यू लाफ व्हेन देयर्स नथिंग टू लाफ, यदि आप हंसे हैं, उस समय हंसे हैं जब यहाँ पर भी परिणाम होगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस निचोड़, कोई भी इसका परिणाम होगा वो उसे भुगतना पड़ेगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, यहाँ तक जो कॉन्सिक्वेंसेस है यहाँ तक हमने आपको रीड करें, जो इसके डिफिकल्ट मीनिंग है उसको आप राइट करें, जितने भी इसके डिफिकल्ट मीनिंग है उसको आप राइट करके देखें, और क्योंकि यदि आप राइट करोगे तो इसकी जो स्पेलिंग है डिफिकल्ट मीनिंग की, जस्ट कॉन्सिक्वेंसेस है, काइंडर्ड है, मोनार्क है, ट्रेडिशनल है, रिवील है, इंसेक्ट्स है, बिस्ट है, जो भी इसके डिफिकल्ट मीनिंग है इसको आप लिख कर देखें, और लिखने से दो बार या तीन बार जैसे ही आप इसकी स्पेलिंग लिखोगे तो आपको स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। वैसे यदि आप स्पेलिंग लर्न करते हो तो स्पेलिंग लर्न करने में
आप लर्न तो कर लोगे लेकिन उसको आप जल्दी भूल जाओगे, और यदि आपने लिख कर देख लिया तो ये काफी समय तक आपके याद रहेगी। तो आप इसको लिख कर देखें और रीड जरूर करें। यदि कोई लाइन आपकी आपको लर्न नहीं है, याद नहीं आती है, तो आप नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जरूर पूछें, ठीक है। और इसी के साथ बेटा जो आपकी क्लास है वो उसका टाइम भी हो गया है।